इस हफ्ते रिलीज हो रही है धूम 3, मगर इसे देखना इतना आसान नहीं क्योंकि इसके टिकट प्राइस कर दिए गए हाई। तो आज हम अपने जूमर्स से जानेंगे कि क्या वो धूम 3 को देखने के लिए 900 रुपीस खर्च करेंगे। सर ये बताइए, आप आमिर खान के फैन हैं? बिल्कुल, आमिर खान के पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। दादा क्या आप धूम 3 के लिए 900 रुपए खर्च करेंगे? अरे बाप रे 900 रुपए, अरे बाप रे 900 रुपए। मैं थोड़ा खो गया। जिनकी सैलरी ओनली 5,000-10,000 रुपए, वो 900 रुपए कैसे खर्च करेंगे? सोचने वाली बात है। सो सॉरी। कटरीना और अभिषेक बच्चन भी, उदय चोपड़ा भी, उनके लिए क्या करेंगे? अभिषेक बच्चन भी है ना उसमें? धूम इज अबाउट जैन अली। अब हम बीबी से पूछेंगे कि जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, जाए जाए। नहीं, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। सर आप धूम 3 देखेंगे? हाँ देखूंगा। बट क्या उसके लिए आप 900 रुपए खर्च करेंगे धूम 3 देखने के लिए? हाँ मैं 900 खर्च कर दूंगा। क्या खास बात है, किसे कौन पसंद है आपको ज्यादा, आमिर, कटरीना या अभिषेक? मुझे कटरीना बहुत पसंद है। क्या अच्छा लगता है कटरीना का आपको? वो है तो फॉरेन की, लेकिन मुझे इंडियन लड़की नजर आ रही है। और मेरी इच्छा है कि कभी मैं कटरीना के साथ फोटो खिंचवाऊं। आमिर और अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे, उनके फैन नहीं आप? नहीं, उनका फैन हूँ, लेकिन सच बात तो इस समय तो कटरीना का हूँ। कटरीना की हॉटनेस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि काफी चर्चा में है? बिल्कुल, काफी चर्चा में है, और उसकी हॉटनेस की तो पूरी इंडिया दीवानी है, तो हम भी इंडिया में ही रहते हैं। आमिर खान के कितने बड़े फैन हैं? अच्छे फैन हैं, नंबर वन एक्टर हैं। कटरीना के? कटरीना के ठीक ठाक हैं। आई डोंट नो। 900 रुपए की टिकट हो गई, क्या 900 रुपए आप खर्च करेंगे धूम 3 के शो? धूम इसके बाद नहीं बनेंगे तो ये लास्ट धूम है। प्राइस मनी बढ़ा दी गई है टिकट्स की, 900 कर दिया गया है कुछ सिनेमाज घरों का, तो क्या करेंगे आप? कटरीना कैफ ने बहुत अच्छा डांस स्टेप किया, स्पेशली द एथलेटिक मूव्स एंड ऑल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो या उसकी डांस स्टेप्स के लिए मैं डेफिनेटली देखना पसंद करूंगी, बट 900 इज अ बिग नो नो। 900 रुपए खर्च करेंगे आप धूम 3 देखने के लिए? 900 रुपए में? 900 रुपया बहुत ज़्यादा, 900 रुपया, मतलब मैं तो आम आदमी हूँ। धूम 3 के लिए क्या आप 900 रुपये खर्च करेंगे? नहीं, मैं 1500 रुपये भी खर्च करने के तैयार हूँ। आपको लगता है इतने पैसे बढ़ाना चाहिए किसी भी टिकट के लिए, क्योंकि सपोज आप खर्च कर सकते हैं, बहुत लोगों ने नहीं खर्च कर पाए। Only if it's an आमिर खान movie, then it's okay. मुझे बड़ी खुशी है। अगर उसमें से माइनस आमिर खान कर देते हैं और कटरीना है, अभिषेक है, उदय है, तो क्या करें? सोचेंगे। ये खबर तो मुझे पता नहीं है। क्या 900 आप खर्च करेंगे धूम 3 देखने के लिए? 900 फिलहाल अभी इतना सोचा नहीं, आई थिंक 300-400-400 अप्रोक्स कर सकते हैं। हम लोग नंबर्स में बिलीव नहीं करते। तो ये थी हमारे जूमर्स की राय धूम 3 के टिकट्स पे। अब देखते हैं कि इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या कहता है। कैमरामैन हेमंत के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई।